दोस्तों ये है टोरेटो कंपनी का 10,000 एमएएच का पावर बैंक, और जितने भी पावर बैंक्स मार्केट में अवेलेबल है उनके साथ में आपको एक केबल ले जाना पड़ता है। लेकिन इस पावर बैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बिल्ट इन केबल दिया हुआ है। इसकी कीमत है 1,799 रुपये। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसका मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है टोरेटो कंपनी का 10,000 एमएएच का पावर बैंक। और बॉक्स के ऊपर जो इमेज दिया हुआ है पावर बैंक का, उसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो पावर बैंक है किस प्रकार का है। TOR36 इसका मॉडल नंबर है, और जो की स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में आता है और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है। इसमें स्मार्ट चिप का भी उपयोग किया गया है। कीमत है 1,799 रुपये। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वैसे बिना बॉक्स खोले भी आप जो पावर बैंक है उसे ये देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है पावर बैंक के बारे में। ये लीजिए, इस बॉक्स को मैं खोल देता हूँ, और जो पावर बैंक है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा कि इस पर एक लेदर फिनिशिंग दिया हुआ है। वैसे लेदर फिनिशिंग तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार का लग रहा है। आज तक जितने भी पावर बैंक्स का मैंने रिव्यू किया है, ये सबसे बेस्ट लगने वाला पावर बैंक है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ, देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स में यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, और साथ में ये वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है, और बॉक्स में ये केबल भी दिया हुआ है, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल, जिसका उपयोग करके पावर बैंक को आप चार्ज कर पाएंगे, या फिर जो अन्य डिवाइसेस है उसे आप पावर बैंक के जरिए चार्ज कर पाएंगे। तो ये है पावर बैंक टोरेटो, 10,000 एमएएच की कैपेसिटी के साथ में आता है। रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है लेकिन काफ़ी हल्का है, और ये देखिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करते ही जो LEDs है वो लाइट अप हो जाते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि जो बैटरी है इस पावर बैंक में कितना बचा हुआ है। और ये देखिए ये जो भाग है इसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बिल्ट इन लाइटनिंग केबल दिया हुआ है। तो मैं आईफोन का उपयोग कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो लाइटनिंग केबल है इसे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पावर बैंक में वो बिल्ट इन दिया हुआ है। इस प्रकार से मैं खोल सकता हूँ और डायरेक्टली मेरे आईफोन में डाल सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है इनपुट के लिए, माइक्रो USB पोर्ट है इनपुट के लिए, और लाइटनिंग पोर्ट भी दिया हुआ है इनपुट के लिए। चलिए जो लाइटनिंग पिन है इसे मैं अंदर डाल देता हूँ। इस तरफ भी एक केबल है, इसे भी मैं निकाल देता हूँ, और ये एक माइक्रो USB केबल है। इनफैक्ट ज़्यादा करके स्मार्टफोन्स में अब भी माइक्रो USB पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये काफ़ी काम में आने वाला है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे इस पावर बैंक का उपयोग करके, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्लॉट है। तो बहुत ही बढ़िया किस्म का पावर बैंक है, और साथ में इसमें बिल्ट इन केबल भी दिया हुआ है, तो आपको केबल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पावर बैंक का मैक्सिमम आउटपुट है 5 वोल्ट्स 2.1 एम्पियर्स। तो दोस्तों ये है टोरेटो 10,000 एमएएच का पावर बैंक। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें 3,000 एमएएच की बैटरी है, तो ये जो पावर बैंक है उस स्मार्टफोन को तकरीबन 2 बार फुल चार्ज कर पाएगा। दोस्तों इसका मैं गिव अवे कर रहा हूं, और गिव अवे में भाग लेने के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूं। प्रश्न ये है कि ये जो पावर बैंक है इसमें आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी, कमेंट्स के माध्यम से आपको मुझे बताना है। मैं 10 दिसंबर के बाद एक लकी विनर को सिलेक्ट करने वाला हूं, और उसे मिलने वाला है ये पावर बैंक। अगर आपको ये पावर बैंक खरीदना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।